मैं आ गया 5-4 बजे, घंटी बज गई। न्याणा कोई बड़ा ही वक्त है। याद में रस्सा क्यों ले लिया? ना बन देंगे वाट इज न्याणा? तो सहरा मेरे नाली बाड़क नहीं करो। मैं कहा देख लिए तो काम तो देख ले भाई, कर दिया मैंने अप्रोक्सीमेट सारा काम हो गया। अब अंदर जाकर चाय बना के चाय पीनी बाकी है बस। ओए आओ तो, बात करी थी तो। हम दुनिया में नहीं सिखा दे चाय बनाना, नहीं तू माने सिखाओगी है? चाय वाला बनोगे उसकी तरह? डोली चाय वाले की तरह हाँ कॉलर तो खड़ी रहेगी अपन, क्यों? बचपन से लेकर अब तक खड़ी रही है, आदत है ये स्कूल की बड़ी हुई है ना। लट दिया कर फिर वो चाहे चूल्हा में देना हो या फिर लोग आ गए दिन, मतलब काम कुम करके और शाम ने फिर दोबारा दूध निकालने लग गया था। लगभग आज का व्लॉग में तो आपा ने दूध ही निकालने लिख के छोरा को तने ब्याह कर। देवर कह मेरो देवर। हाँ तेरा देवर है और ए तेरा देवर को के नाम से ब्याह करवाना उस तने। गलती ना कराऊ क्यों? ऐसी गलती निंदा में ना करूं। क्यों देख ले रे गोलूड़ा है? मेरा गांव हम सुनता रहा पहला से बहुत बदमाश गांव। अब तो कन्या बदमाश है, हम किसी गांव में गलत थिंकिंग बना रखी है ये कि भाई पटीकरा का बालक बदमाश है। मैं धन लगू बदमाश कौन ना, मैं कहती बदमाश हम तो शरीर बालक हां। मैं बालक का ना कहूंगी, हम पटीकरा को ना नार नो दूंगा के बस मारते पटीकरा लिख रखो। अच्छा ओ गोलूड़ा किधर भागो? अरे आज जा ब्याह करवाऊं तेरे। हां तेरा गांव का मैंने देखेंगे वो बहुत छटपणी हो बटे तो फॉर्च्यूनर में आवे। हां अरे देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हां तो बस तो दूध निकालना पड़ेगा। हो जा शुरू। हाँ जी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। और गाइस सुबह सुबह उठ चुके हैं, 4:30 बज रहे हैं क्योंकि हमें निकालना है गाय का दूध बिकॉज। और हाँ सुषमा की शक्ल देखो बेचारी, जल्दी उठ गई आज है ना, जैसे बाहर निकली ना कह रही सर्दी लग रही है, वो ले लो चादर ले लो कंबल ओढ़ लो, मीठी मीठी हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही। मैं तो नहीं लूंगा, सर्दी नहीं लगती भाई। आपको बता दूं सुबह सुबह जो गाय का दूध निकालने जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी मम्मी है वो हमारी मम्मी मामा की जो लड़की है उनके पास गई है, क्योंकि जो जीजा जी हैं उनकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए। तो चले चलो उठो, मेरे को तो सर्दी नहीं लगती, तेरे को ही लगती है। चलो चलो चलो, कोई मंदिर में आ गया 5-4 बजे, घंटी बज गई, कोई बड़ा ही भक्त है। चल अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है, निकाल निकालना निकालना आता है तेरे को? चल जिट्टी शाम को तो मैंने नहीं निकाला था, तो शाम को मैं बोल निकाल दे थोड़ा सा, कह रही मेरे को नहीं आता। अब देख लेंगे तेरे को निकालना आता है नहीं आता। हाँ जी गोबर डाल रहे हो क्या? अरे ये डाल देते हैं, मिट्टी मत लेना साथ में, अंधेरा हो रहा है यहाँ पे ना, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, उधर एक उधर भी कर रखा है। याद में रस्सा क्यों ले लिया? न्याणा ना बन देंगे। वाट इज न्याणा? अरे उधर नहीं है तेरी माँ, इधर है। या बहुत तेज है, आंधी होगी ये। निकालो मैं आपके लिए चौकी लेके आती हूँ, ठीक है भाई? मेरे पति इस पे बैठ के दूध निकालेंगे क्योंकि इनसे बैठा नहीं जाता, ये परेशान हो जाते बेचारे, तो इसका क्या करेंगे, इस पे बैठ के डालेंगे। अंधेरा इधर दिख रहा है आपको? उसके गाय के थन दिख रहे हैं? दिख रहे हैं है। बेचारी को थोड़ा सा दूध पिलाया और दूर कर दिया, कितने सेल्फिश लोग हैं। बाल्टी दे बाल्टी। लो 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 अंधेरा आ रहा है, आप दिख नहीं रहे। हाँ अब ये बताओ, मैंने आपको चौकी पे बैठा दिया तो तब से परेशान नहीं हो रहे ना? नहीं इतनी दिक्कत
दूध निकालने में मजा आता है क्योंकि भाई मेरे पति को गुस्सा जल्दी आ जाता है। देखना अब निकालेंगे टक 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 दूध और मैं नहीं निकालती दूध, मेरा पति रहा, मेरा पति रहा दूध निकालने के लिए। हम साथ साथ हैं, क्यों सीखना है, मैं गोबर डालती हूँ, चारा मिलाती हूँ। तो कर लिया वो काम कर लो। ठीक है भाई, हम अपना ले लेते हैं बर्तन, आई मीन ये पराती, और हम डालेंगे गोबर। गाइस तो भाई अपन ने तो दूध दही निकाल दिया, अपन ने कर दिया अपना काम, अब सुषमा कर रही है अपना खुद का काम। इसका काम बच गया चाट मिलाने का, तूड़ा लिखा होगी, तूड़ा लिखा होगी और उन्हें मिला होगी। तो आज का जो दिन है अपना वो ऐसे स्टार्ट हुआ है। तो आप लोगों का कैसे हुआ है कमेंट तो कर दियो कि भाई गाँव में तो अपना ऐसे स्टार्ट हो गया, तो शहरा में रहने वाली बालक आज तूड़ा तूड़ा ताड़ा भी गिर, दुख हो रहा है इसके, है ना, दुख हो रहा है कि किसी के जिंदगी में मजे थे तो किसी की जिंदगी में कुछ कोई नहीं, फल मिलेगा हमें मिलेगा एक दिन भाई, इतना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत दूध पीना है तो दूध पीना है तो भाई काम तो करना पड़ेगा। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इस चीज की दिक्कत है, लोग ये ढंग से रखते हैं। हाँ चलो, सब लोगों की अपनी अपनी वो होती है सोच, कौन क्या सोचता है कौन क्या नहीं सोचता, तो क्या हाँ शेर शेर नहीं, तो भाई आप भी कमेंट करिए करो, हमें अच्छा लगा है कमेंट कोई करे, हम पढ़ा हम उड़ने, तो भाई आज के दिन की शुरुआत ऐसे हुई है। तो जो हमारे मतलब मामा की जो बेटी है उनके जो हस्बैंड है उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मम्मी वहाँ पे गई है, तो मम्मी कह रही कि मैं देखूँगी थाना तुम काम करो कि नहीं करो, मैं कहा देख लिए, तो काम तो देख ले भाई, कर दिया मैंने अप्रोक्सीमेट सारा काम हो गया, अब अंदर जाकर चाय बना के चाय पीनी बाकी है बस चलो तो अंदर चलते हैं, अब चारा चूरा मिला देती है सुषमा। मैं मेरे तो मन में है कि मैं थोड़ा सा और सो लूंगा, कमाऊ भी कमाऊ वाइफ लिख का है, कमाऊ वाइफ, अच्छा हाँ प्राउड फील है ना चीज़ ना कि हाँ किसी चीज़ में कम कर चलो वैसे काम सारा कर लेती है, इसके मुंह पे तारीफ नहीं करने का वरना सिंडर जी हो है। चलो तो गाइस चारा मिला देते हैं। हेलो गाइस, तो देखो भाई आज मेरे पति देव बना रहे हैं चाय, आती भी है बनाने, नहीं आती आवे, मस्त आती है, कैसा लग रहा है उठ के सुबह सुबह, नाइस आओ तो बात करी थी तो हम दुनिया में नहीं सिखा दे चाय बनानी, तुम हमें सिखाओगी चाय वाला बनोगे उसकी तरह, हैं डोली चाय वाले की तरह, हाँ नहीं पर हम अच्छी चाय बना सकते हैं लतो। क्योंकि मम्मी यार और पापा हर कदे नू खेता लग गया है करता ना, तो कदे नू कह देता जारा छोरा चाय बना के लिया, कितना कप इतना कप बना कर लेना चाहिए, इतनी चिन्नी पड़ेगी, इतनी चिन्नी पड़ेगी, इतनी चाय पत्ती पड़ेगी, जा लिया। ठीक है तो भाई हमारी चाय बन रही है, दूध डाल लो इसमें, दूध डालो तो सही, पकड़ो तो मैं दूध डालती हूँ। मम्मी ने बना के दियो चाय, ए पापा की पसंद ना हो ऐसी काली काली चाय बनाओ, तेरे पापा हाँ मेरी चाय कैसी है सर, अभी टेस्ट करूंगी बता, लड्डू तो सो रहे हैं, तुमको दूध पिला देंगे, चाय जीजी लड़ेगी चाय की, मेरी सा मेरी बनाई उड़ी टिचमिच भाई, चाय से याद आया कि चाय तो एक ऐसी चीज है कि बैठे बैठे जो 3-4 घंटा निकल जाओ बात करता करता, है ना, तो चाय बना ली अपन ने, अब बैठ कर कर रहा पब बात,
और थारा भाई ले होगा अब इसकी थोड़ी सी क्लास एन बात बता मत थोड़ा सा मतलब ऐसा कर दूंगा नहीं भाई मैं ना बैठा तेरा सही सही बात करनी है मेरे साथ। चल ठीक है सही सही बात करूँगा कैमरा का के भी करनी की मैं नहीं कैमरे के पीछे तो अब वो कराएंगा थोड़ी चुगली चाटा कराएंगा चुगली चाटा कराएंगे आप कैमरा बंद करके करा अच्छा ठीक है कि मैं तेरी मम्मी की भी चुगली चाटी करनी है आपने अभी अभी खुद की पापा के नू बता रहे थे मेरे पापा यार 3 बजे उठ जावा है तो 3 बजे उठ को मंडा शुमंडा उसी मार लेगा है और नू घूम तो रहोगे बैठ जाओगे कद चाय बना दो कैसे काली चाय बनाई थी बना के घेर दे मेरे पापा 3-4 बजे तो खेत में चक्कर मारा उसे 3 बजे 3-4 बजे तो यार 3 बजे खेता में की करे आदमी बताओ अपना आराम तो जावे तो आप सारी चीज पूछा बंदे की कौन की करे है कौन के चलो थम भी पी लो इतना गाय चाय फिर आप दिन में और काम करांगे और चीज दिखाएंगे आप के करा के ना कैसे अपना दिन निकला है कैसे या की चीज करे है की नहीं तो चलो बाय खुद के बता कि मैं क्या चीज करता हूँ मैं क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ मैं सारा काम करता हूँ अच्छा यार तू मेंटल है कि भाई अन्ने मेरा काम जो मैं करके करूँ बाहर का अन्ने वो काम ना लग गया करे और जो ये घर में काम करे ना वो मन ने काम ना लग गया करे तो बस मेन चीज वो आई है बस खत्म करो इस पर्ची पे वो लिख साइन करवा के लिखा है अगर के कि हाँ भाई आज मैंने ये काम कर दिया मैंने साइन कर दो मैंने इतने रुपए का काम कर दिया है अपने ऊपर ना कोई पर्ची वाला है ना कोई नीचे खर्ची वाला है ठीक है ना पर्ची ना खर्ची आज तो बड़े गच लग रहे हो कॉलर तो नीचे कर ले कॉलर तो खड़ी रहेगी अपन क्यों बचपन से लेकर अब तक खड़ी रही है आदत है स्कूल की बड़ी हुई है ना अच्छा ठीक नहीं आती तो गाइस मैं तो सुबह पहले नहा धो के भाई साहब बिल्कुल ठंडा पानी का मतलब सर्दी होने लगी थोड़ी सी तो अब थारा भाई बिल्कुल ठंडा पानी तो ना करे जब तक नो हल्की सी थोड़ी सी बर्फ ना दिखेगी ना अपन कदे जे दिन गर्म पानी ना नहावांगा वरना ठंडा पानी तो नहा रोज तो ना दो का अब चला अपना मंदिर लेट हो रहा थोड़ा सा दूध मिला लो इसमें थोड़ा सा लेट गया नहीं मैं फोका पानी नहीं डाल ठीक है तो वो बेचारा देखो कितना मेहनत लेके आए हो ये चाट रांधने के लिए हाँ 3-4 दिन बहुत है ये यो लगा लो तो नहीं लट दिया अगर फिर वो चाहे चूल्हा में देनो हो या फिर लोगा के अच्छा ठीक जोर लगा लिए ये अंदर रख दो इसकी जरूरत नहीं है अंदर रख दो इसको ये बाइक देखो कैसे टक टक बोल रही है शुभ होती है जैसे बाइक ऐसे टक टक बोलते है ना शुभ होती है ले मैं जाऊं सुबह नारियल ले आया हूं मैं तेरे लिए दो तू भी नारियल जैसा सूट पहन लिया की बात है पुराना हो गया तो बेचारे लो भाई नारियल नूरियल ले आ दिया है अब आप खावा रोटी और ये बहुत लेट कर रही है मैंने क्योंकि सबर ना हो रहा मेरे मैं भी तेरी देख सबर कर रही हूं काम के लग रही तो मैं भी काम का लग रहा हूँ मैं के बैठा है यार क्यों दिख रहा है दूध दूध पी है तो तने हाँ चल दूध तो पी लिया चलो भाई अब आप रोटी रोटी खा ले हाँ जी गाइस तो गाइस पूरा दिन मतलब काम कुम करके और शाम ने फिर दोबारा दूध निकालने लग गया था लगभग आज का व्लॉग में तो आपा ने दूध ही निकालने लिखे थे सुषमा सुबह तो गोबर गोबर ढाई के परेशान हो ली अयो भाई आज अपन क्या डाल के गोबर फिर ऐसे डाल अच्छा शहरी पप्पू बनेगी गोलू यो छोरो आए से देख यो सब पैसे लेने लिख का आयो जू मैं और ए छोरा को तने ब्याह कर हाँ तेरो देवर है और ए तेरा देवर को के नाम से ब्याह करवाणो उस तने कतीना कराऊं क्यों ऐसी गलती निंदा में ना कर क्यों ना कर और मुझे एक बोतल दारू पिया दे तो भी ना करो अरे नु कह रही चाहिए एक बोतल दारू की पिया दे फिर करवा दूंगी ना करूंगा ती क्यों क्यों ऐसा ना सामे भी ना करो करवाऊंगी सर एक की दो देंगा बोतल हां ना करवाऊं मम्मी इतना तो जय तो तुम पटीकरा में एक आगे वो ही होत से गोबर टाण लग रही मन ना ना व्यर्थ मैं आज जाऊं पटीकरा मरा गांव तो डरो हो तुम डरे कौन थार गांव तो फिर सारा डरो की हो कि भाई पटीकरा में नहीं आ देख ले रे गोलूड़ा
अब तो कुन्या बदमाश हम भी गए हैं अब तो शरीफ हाँ गाँव से पटीकरा का नहीं सिराना भी करके मत सुइयो हथियार छोड़ दसी चलाना ना बुल्ला मतलब कि यार बीरबानिया ने भी और कहना उसे बालका ने भी नूह भर रहा किसे गांव में गलत थिंकिंग बना रखी है ये कि भाई पटीकरा का बालक बदमाश है मैं धन लगू बदमाश कौन नाम है कहती बदमाश हम तो शरीफ बालका तो नारनोल में तो हम आई गया वार्ड नंबर 8 का बाशिंदा हम तो क्यों भाई वार्ड नंबर 8 में है नारनोल में है भाई पटीकरा का देखो वरानी ये कॉलोनी कितनी तगड़ी तगड़ी कॉलोनी बन रही सामने कॉलोनी देखो सामने कॉलोनी बन लाग रही ये अपना घर है वरानी गार्डन है कि तो वर पटीकरा गांव का नामो निशाने ना दिखे या रोड जरूर पटीकरा में जाओ अच्छा गोलूड़ा कित भागो अरे आज ब्याह करवाऊ तेरे सोलो बा ओ गल्लूड़ा ठीक से बग हैं अरे दुकान पे दो मैं बोलो मको चल मको हम दूध काटा मको फिर दानो के रकानो गांव में नो बोलो चल तो तेरे साथ चलू मको चल तेरे ब्याह करवाऊ तेरे बाबे ने कहूं कहूं मैं मको ले आ जा फिर लेट हो रहा है पा ले भाई दूध हैं ले भाई दूध काटा आपा तो एक यो ही काम रहे हो गया अपन चलो अब हमारे पति है ना शाम का दूध निकालने के लिए हो गए तैयार और मैंने इनको लाके दे दी है चौकी और अब दूध निकालेंगे कंफर्टेबल होके परेशान तो नहीं होते ना थैंक यू बोलो थैंक यू सो मच और कैसा मजा आ रहा है दोनों टाइम दूध निकाल के मजा तो नहीं आ रहा क्यों मजा क्यों नहीं आ रहा क्या काटे हैं थनों में तो काटे नहीं फिर तो मेहनत है अब मैं अपने आराम से घर पे बच्चों को संभालू है तू बच्चों को संभाले हाँ। मैं भी घुमा के लाऊं ऐसी बात नहीं है हाँ। तो वो वादा किया था सगाई के टाइम फॉर्चुनर में बैठाऊंगा वो तो बैठा दूंगा खुद की जो मेरे नाम पे होनी चाहिए खुद की मैं गोबर डालना पड़ता है बैठ के निकालो लात मार दी चुकी लात खा लेना लात खा के अकल आती है इंसान को दूध लात भी बढ़िया हाँ दूध देने वाले की तो लात भी बढ़िया हेलो गाइस तो मैंने ना यहाँ पे काम कर दिया है सारा अपना अभी है ना हम गाय को छोड़ेंगे गार्डन में ये घास चर लेंगी हरी हरी बाकी मैंने गोबर डाल दिए हैं कूड़ा भी ऐसा सॉरी झाड़ू निकाल दी बीच की कट कर दियो मेरी ठीक है मैंने ना झाड़ू भी निकाल दी है छोटा मोटा काम है वो कर देती हूँ जल्दी जल्दी फिर लगेंगे खाने के करेंगे पूजा सो मिलते हैं बाय बाय।